www.sadhguru.com से आपसे मुखातिब होता हूँ। आज 28 सितंबर सन 2021 आज हम एग्रो कमोडिटीज़ में होने वाली विशेष हलचल, शेयर बाज़ार के अंदर क्या रहेगा उतार चढ़ाव और बुलियन यानी सोने चांदी के अंदर क्या संभावना होगी उसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। एस्ट्रो फाइनेंस या और एस्ट्रो टेक्निकल की गणनाओं के आधार पर याद रखिएगा, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का प्रचलन सदियों से हमारे देश में रहा है। मानसून हो, कृषि उत्पादन हो, शेयर बाज़ार के उतार चढ़ाव हो या फिर फसलों में लगने वाली बीमारियां और उसके उतार चढ़ाव की सटीक विश्लेषण सदियों से हमारे देश में फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से में सटीकता से किया जाता रहा है। लेकिन विदेशी आक्रमणकारियों के लगातार हमले हमारी ज्ञान और विज्ञान को लगातार नष्ट करने का एक जो ज़बरदस्त प्रयास विदेशी आक्रमणकारियों का रहा, इससे पिछले कई सौ सालों से इसमें एक ठहराव आ गया है। हमने पिछले लगभग 22 सालों से लगातार इन मोतियों को सहेजने का काम किया है और एक माला के रूप में पिरोकर आप तक प्रस्तुत करने का भागीरथ प्रयास कर रहे हैं। उम्मीद है कि इसमें आप सब हमारा सहयोग एवं सहायता करेंगे। आज मैं आगे चलें इससे पहले ग्रह स्थिति। आज चंद्रमा मिथुन राशि में है, मंगल एवं सूर्य कन्या राशि में, गुरु और शनि का अद्भुत सहयोग मकर राशि में बन रहा है, राहु और केतु आमने सामने यानी राहु वृषभ में और केतु वृश्चिक राशि में हैं। माफ कीजिएगा, बुध और शुक्र तुला राशि के अंदर विराजमान हैं। ये सब ग्रह सहयोग मिश्रित रुख की तरफ इशारा कर रहा है। सबसे पहले एग्रोजींस के अंदर क्या संभावनाएं बन सकती हैं। एग्रोजींस के अंदर किराना यानी मसालों के अंदर आज तेजी की संभावनाएं बन सकती है। इसके अंदर हल्दी के अंदर आप नज़र रखें, इसके अंदर तेजी की संभावना बन सकती है। जीरा भी आज तेजी का रुख दिखा सकता है और धनिया भी अब तेजी की ओर अग्रसर हो सकता है। दोस्तों आपको याद होगा धनिए के ऊपर भी हमने लगातार अपडेट दिए थे जब ये बुरी तरह से नीचे की तरफ अग्रसर हो रहा था। अब क्या संभावनाएं बनेगी उस पर हम चर्चा आप से कर रहे हैं। गवार सीड पश्चिमी राजस्थान, हरियाणा एवं गुजरात के कारोबारी बंधु एवं किसानों की एक पहली पसंद होती है। गौरतलब है कि राजस्थानी कारोबारी चाहे वो मिडिल ईस्ट में बैठे हों चाहे वो नॉर्थ ईस्ट राज्यों के अंदर हों, उनकी रुचि लगातार गवार गम एवं गवार सीड पर रहती है। जैसे हम आपको लगातार अपडेट दे रहे हैं, इस साल गवार की फसलों के अंदर कमी की संभावनाएं बन रही है। गवार की बिजाई का एरिया भी बहुत कम है और इसके अतिरिक्त दक्षिण पश्चिम मानसून की मार पहले पश्चिमी राजस्थान के अंदर औसत से बहुत अधिक कम बरसात और अब ज़्यादा बरसात से गवार की फसलों को नुकसान की सूचनाएं मिल रही हैं। किसान बहुत हैरान और परेशान हैं, लेकिन गवार सीड का जो हाजिर स्टॉक और किसानों का कैरी फॉरवर्ड या कारोबारियों का कैरी फॉरवर्ड स्टॉक, इसके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह हमेशा से रहता है और कहा जाता है कि गवार स्टॉक और कितना स्टॉक कब किसके पास से निकल जाए, कहां से कौन से इलाके से निकल जाए, इस पर अनुमान लगा बहुत ही मुश्किल है। लेकिन गौरतलब है हमने मार्केट टाइम्स टीवी पर लगभग 6 महीने पहले गवार की तेजी की अग्रिम भविष्यवाणी की थी। 3 महीने पहले भी आपको अग्रिम आगाह किया था। अब गवार के अंदर क्या तेजी के लगेंगे झटके या फिर मंदी की आएगी बाढ़, हमारे विशेष एपिसोड्स की आप इंतज़ार करें, हम आने वाले कुछ समय के अंदर इसके ऊपर भी अपडेट आपको देंगे। आज शेयर बाज़ार के अंदर क्या संभावना बनती है। पहली संभावना निफ्टी के ऊपर, निफ्टी ऐतिहासिक स्तर के ऊपर और सेंसेक्स ऐतिहासिक स्तर के ऊपर देखा, लेकिन आप ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली की संभावनाएं बन सकती हैं, विशेष ख्याल रखें। जहां तक स्टॉक का सवाल है, केमिकल स्टॉक्स, ऑटोमोबाइल स्टॉक और फर्टिलाइजर स्टॉक्स के अंदर तेजी बन सकती है। आप नज़र रख सकते हैं टाटा मोटर, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन जो पावर ट्रांसपोर्टेशन का भारत सरकार का सबसे शानदार शेयर है, इसके ऊपर भी आप नज़र रख सकते हैं, इसमें तेजी की संभावना बन सकती है। लेकिन निफ्टी के कारोबारी विशेष ध्यान रखें, मुनाफा वसूली आ सकती है। ये था शेयर बाज़ार पर आज का अपडेट। अब बुलियन के अंदर क्या संभावनाएं बन रही हैं। बुलियन यानी सोना चांदी के अंदर आज अतिरिक्त सावधानी रखनी अपेक्षित है। कभी भी उतार चढ़ाव के बीच में गिरावट की संभावनाएं बन सकती हैं।
दोस्तों, आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगता है आप अपनी राय अवश्य दीजिए। याद रखिए, भारतीय फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी हमेशा से ही वर्ल्ड को, पूरे विश्व को चमत्कृत करने की क्षमता रखती है, चाहे वो साउथ वेस्ट मानसून हो, फसलों का उत्पादन हो या फिर उतार चढ़ाव हो। आप सभी का प्यार इस हमारे इस प्रोग्राम को मिल रहा है। मैं आप सभी का चैनल की तरफ से और स्वयं की तरफ से बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।